फाइनली आप सबके डिमांड पर हम लेकर आए हैं आपके लिए CMF Phone 1 का BGMI टेस्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस हद तक इसमें BGMI को खेल सकते हो, कैसा इसमें आपको गेम प्ले देखने मिलता है, अच्छा देखने मिलता है या बुरा देखने मिलता है। तो आप हमारे पास देख सकते हो, ये है CMF Phone 1 जो कि ऑरेंज कलर में हमारे पास अवेलेबल है। बॉक्सी डिजाइन देखने में जाता है और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो स्मार्टफोन का डिजाइन भाई काफ़ी अच्छा देखने में जाता है। यहाँ पर हमने काफ़ी सारे टेस्ट किए, जिसमें थ्रोटलिंग टेस्ट की बात करूँ तो 89 तक स्कोर किया जो कि काफ़ी अच्छा था। स्टोरेज टाइप के भी हमने स्कोर रन किया और यहाँ पर आप देख सकते हो उसका स्कोर भी हम यहाँ पर अच्छा देखने ज्यादा प्राइसिंग के हिसाब से। एंड यहाँ पर हमने Antutu बेंचमार्क स्कोर यहाँ पर टेस्ट किया जो कि अप्रोक्स 6,05,000 के अराउंड देखने जाता है और ये भी भाई 15,000 के हिसाब से काफी अच्छा है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ ग्राफिक्स वगैरह की तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइसिंग के हिसाब से इजिली आप हाई ग्राफिक्स पर जा सकते हो, आपको यहाँ पर कोई भी इशू देखने नहीं मिलता। यानी जितने भी हमने टेस्ट वगैरह किए भाई उनमें नो डाउट जो स्मार्टफोन ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। तो अभी हम यहाँ पर हमारा गेम प्ले है जो स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने पहले गेम प्ले जो यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया था वो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पर ये गेम प्ले देख सकते हो और मैं आपको वीडियो के एंड में डायरेक्ट मिलूंगा और वहां पर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि कितना हद तक मुझे यहाँ पर लैगिंग इशू देखने मिला या क्या कुछ मुझे इशू यहाँ पर देखने मिले।
फाइनली हमने यहाँ पर हमारा एक लॉन्ग जो मैच है वो कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर अभी तक अगर मैं बात करता हूँ स्मार्टफोन की, देखो कोई भी हीटिंग जैसा इशू मुझे यहाँ पर देखने नहीं मिला। मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ कि स्मार्टफोन पे भाई हीटिंग हो रही है या कहीं पर भी लैगिंग का इशू आ रहा है। अभी तक जो गेमिंग चल रही थी वो बिल्कुल स्मूथ चल रही थी। और अभी हम एक और इसमें बड़ा गेम है जो खेलने वाले हैं, उसके बाद दोस्तों मैं आपको लास्ट में मिलने वाला हूँ और वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि दो गेम्स खेलने के बाद इसमें क्या हीटिंग इशू आता है नहीं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पहले गेम में ही अप्रोक्स आप मान सकते 30 मिनट से ज्यादा का गेम प्ले चला गया था। अभी देखते हैं यहाँ पर दूसरा गेम प्ले कितने हद तक चलता है। मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि 1 आवर तक का गेम प्ले स्मार्टफोन में करें ताकि हमें पूरी तरह से पता चल सके कि यहाँ पर हमें क्या कुछ इशू। ना पकड़ा अंदर बंदा है, ये पेटी डालने वाला था, मैं दबोच देता हूं। मैंने छोटू ऐसे कैसे पेटी डाले और डिफेंड किया। चलो इसकी पेटी पैक कर दी एकदम फटाक से, ये सकाले लूटा लेता हूं इससे पहले कोई और बंदा आ जाए। बंदूक होना चाहिए, असला हम भी रखते हैं, असला होना चाहिए टाइम टू टाइम। खैर यहां पे देखो अपने दोनों टीममेट नॉक पड़े थे, फटाक से मैं रिवाइव लगाने बैठ जाता हूं क्योंकि देना पड़ेगा रिवाइव। अभी दोनों नॉक पड़े, सेल्फ रिवाइव है नहीं कुछ, यहाँ पे रिवाइव करके 5 किल अपने हो चुके हैं। मैं तो आ गया, ठीक है बढ़िया किल मिल गया, 5 किल जी फुल मौज। लेकिन अभी इतने से क्या होगा, देखो मैं एक जंप लिफ्ट का प्रयोग करके हमला लिफ्टिंग कर रहा है, इधर पे सोच रहा है लिफ्ट से जल्दी आएगा। अरे एक और को पकड़ा, पेटी पैक अंदर, देखो एक और बंदा और नीचे एक और होता है। मेरे को लगा नहीं था कि एक बंदा और अभी बाकी मैंने ध्यान दिया, और इसका नाम था लाल डाकू। मेरे ताऊजी ये डाकू लोग लाल पीले कब से होने लगे भाई, हाँ कब कहाँ बैठ जाए कौन जाके कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते इनका। लेकिन इसकी पेटी डालो पहले, और ये देखो बगल से स्प्रे करता मेरे को सुखा रही, एक गोली 2-3 गोली 4 गोली
और मेरा कद्दू पकड़ लो रिगेट को बोला गया वैसे सारे से स्प्रे किया गया वैसे मैग्नेट बंदूक है भाई बेब मेरे बोला छोटू है बंदूक हम भी रखते बस मेरा बंदूक थोड़ा बड़ा है और मोटा भी ये है इसको पकड़ लिया मैंने बंदूक के चपेटे में लेकिन ये ब्रेक फ्री कर देता है और जब तक ये मैग्नेट गन छोड़ के दूसरी गन स्विच करता है तब तक मैं इसकी पेटी डाल देता हूँ पता नहीं क्यों ये मैग्नेट गन लेके यहाँ खड़ा था बुरा लगा छुट बुरा लगा तुम्हारे लिए दूध पी के आना अगली बार और मैग्नेट गन मत पकड़ना ठीक है थोड़ा असला थोड़ा अपने साइज का पकड़ो ये दूसरों का ऐसे मैग्नेट गन मतलब मैग्नेट गन पकड़ोगे दिक्कत हो जाएगी मोटा है वो थोड़ा ना समझा करो खैर आगे एक बंदा था बहुत ही ज्यादा इसको डैमेज दिया प्लस अपने घर के नीचे भी बंदा है तो उसको भी पहनना पड़ेगा गाइस पहले मैं ये देखो ये बग्गी लेके हुई भाग गया मतलब पता नहीं कौन है लेकिन एक बंदा नीचे नॉक पड़ा मेरा एक बंदा नीचे जिंदा पड़ा है मैं सूदी मार देता हूँ अरे देखी जाएगी इसमें पता नहीं कौन सी गन करी थी कौन सी गन थी यूएमपी कैसे लेके बैठा था यूएमपी लगी तो नहीं मेरे को डीपीएस चलाई गई इसमें और ये बग्गी वाला गोल गोल घुमाया जा रहा है खैर यहाँ पे बस दो ही किल मिले मेरे को एक जो पकड़ा था मैग्नेट से और एक ये बंदा वो अभी और भी बंदे बहुत पेचीदा मामले बहुत ज्यादा टीम है इधर एक और को पकड़ा पेनी वैलेंस की खबरदार पचने ना पाए कोई ए बार भी बढ़िया तुम्हारे भाई तो इस टाइम तुम करेंगे स्नाइपर टेंशन की कोई बात नहीं लेकिन अभी देखो जो आगे बंदा है वो शक्ल सूरत कुछ नहीं दिखाता मैं बैठा हूँ इधर आपको रस करना पड़ेगा अगर किल चाहिए तो मेरा टीममेट ऐसे कवर कुवर बनाता है मैं पीछे से कवर देता हूँ एमआर से और भाई ऐसे कवर बना के रस करते हैं ये दबोच दिया था ऐसे पैसे इसकी सीधा आगे भी चलते हैं कवर की पॉइंट और मेरे को सीधा रस गेम प्ले काफी है मेरे ताऊदी ये पहुँचता हूँ यहाँ तक इसकी डाली पेटी पीछे भी बंदा आ गया एक चीज चोरी भी कर दी अभी को ये पता नहीं कहां से चला रहा था पक्का नहीं पता था अभी मैं पहले फिर कवर पाइस किल करके मैं पहुंचता इधर पे किल चुराने की कोशिश पूरी जारी है आगे लड़ाई लड़ रही है बंदूक की ये देखो नॉक कर दिया इसने किल मैं ले लेता हूँ ऐसे पैसे इसकी एक किल मैंने उठाई चोरी की मैं आ गया लेकिन आगे अभी और भी बंदे बाकी इनको भी ये देखो इसको पेटी टल जाएगी मेरे ख्याल से एक दो गोली मार दूंगी मैंने मेरे टीमेट लोग ने भी एक दो तो मारी होगी पेटी टल जानी चाहिए टेंशन की बात नहीं लेकिन अभी आगे पे और भी बंदे उनको भी देखना पड़ेगा गाड़ी वीडियो में छोड़ दी पता नहीं क्यों बगैर गाड़ियां ब्रश कर रहे पता नहीं क्या इसका नाम मेरे को लेकिन हम चलिए ब्रश करने से कब बन जाए कब का धोखा हो जाए तो हाँ ये गाड़ी लेके मैं चल देता हूँ बाकी नलों को लपेटे में लेने के लिए और जुकाम पता नहीं क्यों ये बारिश का मौसम चालू हो गया जुकाम हो गया पता नहीं कैसे लेकिन आज जुकाम की भैंस की लकड़ी मैं जा रहा हूँ इधर से आगे चलने लग जाती है सीधा गोलियां मैंने बोला डाल दो जा गोली है दूर क्यों रखना ये देखो आपस में लड़ रहे हैं मेरे को क्या मेरे को लगा एक आध नल्ले हो गए पेटी पेल दी एक चीज इतने में देखो दिक्कत क्या हो गई पूरी गाड़ी दो तो फाइनल दोस्तों यहाँ पर भी आप देखते हो हमारा गेम प्ले कंप्लीट हो चुका है और हमने जो पूरा अपना मैच है जो कंप्लीट कर लिया और हमने यहाँ पर बड़े गेम्स खेले आई मीन इरेंगल में गेम्स खेले और आप सबको पता है वहाँ पर भाई कितना टाइम लगता है। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें हैं नोटिस की थी स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग के दौरान आपने भी अगर यहाँ तक वीडियो देखी तो जरूर यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी शुरुआत में जो गेमिंग हमें देख मिली थी गेम प्ले देख मिला था स्मार्टफोन का काफ़ी अच्छा देख मिला था लेकिन टाइम टू टाइम जैसे गेम आगे बढ़ता हुआ गया या मान सकते हो मैं टाइम स्पेंड करता गया 30 मिनट से 40 मिनट हुई 50 मिनट हुई 1 आवर हुआ वैसे वैसे स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस में हमें डाउनफॉल आता हुआ देखने मिला। सेम इशू हमने स्टार्टिंग में नथिंग फोन 2A के साथ भी देखा था वहां पर जो चिपसेट दिया था काफी अच्छा था लेकिन उसको ऑप्टिमाइज जो है नथिंग ने इतनी अच्छी तरह से नहीं किया था। हालांकि यहां पर गेमिंग आपको उससे थोड़ी अच्छी देखने जाती है क्योंकि नथिंग फोन 2A का तो भाई स्टार्टिंग में बिल्कुल ही बुरा हाल था इसका इतना नहीं है लेकिन स्टिल अभी हम कह सकते हैं इसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हो सकता है कि नथिंग अपने नथिंग फोन 2A की तरह इसमें भी कुछ अपडेट्स के दौरान इन चीजों को फिक्स कर दे
अदरवाइज मैं बात करता हूँ हीटिंग वगैरह की, देखो इतने कोई मेजर इशू देखने नहीं मिलते, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो जरूर यहाँ पर होता है। और टाइम टू टाइम टाइम के साथ साथ यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है उसमें हमें डाउनफॉल जरूर आता हुआ देखने जाता है। बैटरी बैकअप वगैरह में हमें कोई भी इशू देखने नहीं मिलता। अभी आते हैं हमारे कंक्लूजन पर कि क्या 16,000 के हिसाब से एक बेहतरीन गेमिंग स्मार्टफोन है। जी दोस्तों, अगर मैं 16,000 के हिसाब से बात करूँ तो जरूर हमें जो परफॉर्मेंस मिलती है वो काफ़ी अच्छी देखने मिलती है, काबिल तारीफ देखने मिलती है। बस जो मुझे छोटे मोटे इशूज लगे थे कि भाई टाइम के साथ साथ जो यहाँ पर परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, यहाँ पर बाद में थोड़े लैगिंग इशू आ रहे हैं, उन चीज़ों को अगर नथिंग फिक्स कर दे तो मैं कहूँगा कि भाई 16,000 के अंदर बेहतरीन गेमिंग स्मार्टफोन ये हो सकता है। बाकी आपको कैसा लगा स्मार्टफोन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे में। जय।